पानी फुल है इसमें भी। आरपीएम बढ़ा के देखते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ से लीक हो रहा है, अंदर से खोलना पड़ेगा पूरा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं। चलो दोस्तों, फिर इसका रेजिस्टर खोलना चालू करते हैं। तो कैसे कैसे खोलना है वो सारा कुछ आपको बताते हैं। कहाँ से पहले फ़ैन खोलेंगे, फिर रेजिस्टर खोलेंगे। और जो भाई मेरे ग्रुप पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें हमें सपोर्ट करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा एक बोनट उतारना पड़ेगा हमें, आगे का बम्पर है जो ये देखो यहाँ पे है। दोस्तों ये नीचे से निकलता है वैसे रेडिएटर, नीचे वाले लॉक जो नट है वो लॉक रखे हैं, खुल नहीं रहे। तो अभी हम आगे से निकालते हैं इसको ना। तो पहले ये फ़ैन निकाल लेते हैं। फ़ैन का यहाँ नट लगा हुआ है देखो, जो ये जिसमें गैस स्टोर करके रखते हैं, ये वाले जो एसी का जो माउंट है, ये वाला देखो, इसके दो नट रहते हैं। ये अंदर से खुलेंगे, वहाँ से यहाँ पर लगे होंगे नट इस जगह पर, और दो नट यहाँ पर लगे होते हैं फ़ैन के, और दो यहाँ होते हैं ऊपर वाले। टोटल छः नट है, छः नट ओपन करके फ़ैन बाहर आ जाएगा। अभी हम रेजिस्टर निकालते हैं। रेजिस्टर को निकालने के लिए इधर आगे से दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो कंडेंसर है ये इसके साथ में माउंट होता है, तो ये ऐसे लगा होता है देखो नीचे, यहाँ से ये लॉक टाइप लगे होते हैं ये वाला। तो ये आपको बाहर निकालना पड़ेगा ऐसे, इसको अलग करना पड़ेगा। इसको अलग कर देते हैं, फिर इसके नीचे नीचे ये घुसता है, जैसे दो जगह दी होती है उनको बाहर निकालते हैं पहले। दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ेगा आपको। ये देखो जो ये वाला अमाउंट है एसी का जिसमें गैस स्टोर होती है, ये वाला अड़ेगा, तो इसको थोड़ा इधर धकेल के, और ये वाली साइड है जो नीचे वाली साइड, ये थोड़ी इस तरफ आएगी। इस तरफ आने के बाद फिर ऐसे ये निकलेगा, ऐसे ऐसे ही इसको वापस डालेंगे। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से निकालें, ज़्यादा अगर ज़ोर से निकालोगे तो ये इसकी पत्ती हमारे टूट जाएगी। और ये देखो यहाँ पे ये दरार टाइप बनी हुई है, कट गए, इसको भी रिपेयर करते हैं। दोस्तों इसको हमने पूरा निकाल लिया, अभी ये हार्पिक है इसके अंदर सर्फ है थोड़ी सी, तो ये अप्लाई कर देते हैं उस पर, तो ये सारा उतर जाएगा, जो भी रस्ट वगैरह लगा हुआ है। जो क्लीनर आता है वो अपने पास है नहीं, तो देसी तरीके से साफ करते हैं इसको। ये अप्लाई कर देते हैं, फिर 10-15 मिनट रुक के इसको वॉश करेंगे, दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों कुछ थोड़ा सा आरपी का हमने इसमें डाल लिया पानी में, गर्म पानी में, और ये वाला यहाँ से बंद कर दिया, तो इसके अंदर डाल के छोड़ते हैं। इसमें अगर कुछ रस्ट वगैरह कुछ जमा होगा तो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा वो। हार्पिक के अंदर थोड़ा तेजाब होता है थोड़ा, तो जैसे मार्केट में आप अगर सर्विस कराते हो रेजिस्टर की, तो वहाँ पे नमक के तेजाब से उसको क्लीन करते हैं। दोस्तों ब्रश से साफ़ कर लेते हैं इसको। ब्रश आप जब आप लगाएं तो इस तरह लगाना, ऐसा नहीं लगाना, ऐसा लगाओ तो ये पत्तियाँ रुक जाएगी। जैसे कुछ पत्तियाँ मैंने खोली है तो उनसे हवा ब्लॉकेज हो जाती है। दोस्तों पाइप से साफ करें तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर भी पत्तियाँ मुड़ सकती हैं। ये देखो पूरा क्लीन हो गया एकदम हार्पिक से। ये तो मैंने थोड़ा कम लगाया है, अगर आप हार्पिक थोड़ा ज़्यादा लगाओ तो पूरा क्लीन हो जाता है। ये इसके अंदर भी डाला था,
पानी अंदर से पूरा निकाल लें ताकि अंदर तेजाब बचे ना इसके, हारपे के अंदर तेजाब होता है, तो दो तीन बाल्टी पानी निकाल लें अंदर से। दोस्तों जैसा कि ये यहाँ से देखो जो ये दिख रहा है, यहाँ से ये लीक है, तो इसको सही करते हैं, अभी चिपकाते हैं इसको, एम सील और अल्ट्राइट मिक्स करके लगाएंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, अभी यहाँ पे गर्म करके थोड़ा इसको वैसा कर लेते हैं ताकि वो चिपक जाए। और एक यहाँ से दिखा देते हैं, ये वाली टूट गई है, पाइप टूटी हुई है, मतलब ये पूरा वैसे तो गला हुआ है पर अभी यहाँ आसपास कहीं मिल नहीं रहा, तो इसी को तैयार करके लगाते हैं एक बार। इसको भी कैसे तैयार करेंगे वो आपको बताते हैं। दोस्तों सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गया है, तो जो ये दरार है इसके बीच में थोड़ा ऐसा जगह बना देते हैं हम, फिर यहाँ पे एम सील और अल्ट्राइट मिक्स करके लगा देंगे। दोस्तों इस ये जो टूटा हुआ है, ये प्लास्टिक का पीवीसी प्लास्टिक का टुकड़ा है, ये इसके अंदर फिट आ रहा है एकदम, ये इसके अंदर फिट लगा के यहाँ पे एल्फी लगा देंगे, ये चिपक जाएगा, और जो इसके टूटे हुए टुकड़े थे वो इसके ऊपर चिपका देंगे, तो ये वैसा का वैसा माउंट तैयार हो जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा काट लिया है ताकि यहाँ ऐसे अंदर अड़े ना, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ से बराबर हो गया, यहाँ से तो इसका स्पॉट बन जाएगा पूरा, ये हिलेगा नहीं फिर, तो इसको चिपकाते हैं एल्फी से अंदर से। इसको पहले रेगमार से साफ़ कर लेंगे, दोस्तों एयरलाइट है मैंने मिक्स कर लिए, अब ये इसके अंदर लगा देते हैं यहाँ पे चारों तरफ, ये इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, और इसके ऊपर जो टुकड़े हैं इसके वो चिपका देंगे ताकि ये ऊपर नीचे ना दिखे, इक्वल हो जाएगा। अब ये इसके टुकड़े हैं, टुकड़े देखने पड़ेंगे कैसे कैसे लगेंगे, एक तो यहाँ लगेगा और ये वाला इधर लगेगा, ये वाला यहाँ लगेगा, इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग कर देंगे यहाँ से सोल्डरिंग आयरन से, ये जो बीच में दरार है, फिर यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और ये एल्फी और एम सील भर देंगे, फिर घिस के इसको रेगमार से पूरा सही कर लेंगे इसको, तो शेप उसकी बिल्कुल वैसी शेप हो जाएगी जैसे पहले थी। जहाँ जहाँ से हम जला रहे हैं उसके अंदर एल्फी और जो एम सील है वो भर जाएगी, और बाकी का जो बचा होगा वो ऊपर रेगमार से हम घिस देंगे, तो शेप हो जाएगी। फिर हॉस पाइप अगर ऊपर लगाएंगे तो लीक नहीं करेगी, एकदम स्मूथ कर देंगे इसको। दोस्तों पहले ये मिक्स कर लेते हैं एम सील मिक्स करके, फिर अल्ट्राइट मिक्स करके उसमें पूरा मिक्स करके फिर उस पर अप्लाई करेंगे ताकि जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाए। इसको मिक्स कर देते हैं अभी, जब इसको मिक्स कर करके लगाते हैं, दोस्तों जो मैंने सॉल्यूशन लगाया था एम सील और अल्ट्राटेक दोनों मिक्स करके, वो बढ़िया पक गया एकदम, और इस तरफ भी हमने पाइप ये चिपकाई थी इसके ऊपर, तो इसको रेगमार लगा के हमने पूरा इसको स्मूथ कर लिया, तो इस पर पाइप पूरा आ जाएगा, अभी लीक नहीं करेगा। तो अभी इसको फिट करते हैं, हमने इसको चेक कर लिया है, तो बड़े ही ध्यान से अंदर घुसाएं इसको, क्योंकि ये पत्तियाँ जो मुड़ जाती है तो ख़राब हो जाती है, फिर इनमें से हवा क्रॉस नहीं होगी। तो जैसे जैसे निकाला था वैसे वैसे हम लगा देते हैं इसको। दोस्तों अंदर से ये जो नीचे इसके दो होल होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे एक तो ये वाला है, इस टाइप का होता है, मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप के नीचे दो वसल होती है, इस टाइप की
एक यहाँ होती है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे होती है एक, और एक इधर होती है। तो इसके अंदर इस तरह के दो होते हैं, हमने इस तरह के दो कुंडी टूने टाइप, वो उसके अंदर चले जाएंगे। तो वो उसके अंदर चले गए हैं। उसके बाद अभी इसमें देखो दो लॉक टाइप है कंडेंसर में, ये यहाँ पे जाएंगे अंदर। तो पहले इसको डाल लेते हैं, इस पर सही बन जाएगा। फिर यहाँ से दिख जाएंगे आपको, इधर से दिखा देता हूँ। ये देखो दोनों, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों अंदर लग गए हैं। अभी हम इसके फैन फिट करेंगे। फैन फिट करते तो ध्यान रखें, ये जो पत्तियाँ हैं ये रेजिस्टर के अंदर ना लगे। यहाँ पे जो ये पत्तियाँ हैं ये मुड़ जाएंगी, फिर सही से काम नहीं करेगा, हवा क्रॉस नहीं होगी। तो ये वाली केबल ले जाओ, तो साइड में कर ले थोड़ा। वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बाकी आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये फ्री टाइप सा हो गया, अंदर जगह है वैसे। अभी इसके नट दिए हैं, वो नट टाइट कर देते हैं। दो नट ये हैं सर इसके कंडेंसर के, टाइट हो गए हैं। उसके बाद एक ये हो गया जो अपना एयर फिल्टर से आता है, ये यहाँ पे सिंपल टाइट है, ये कर दिया। एक नट ये हो गया, एक नट ये हो गया, और दो नट ये फैन के हो गए। बाकी नीचे के नट बचे हैं अभी फैन के, वो टाइट कर देते हैं। दोस्तों दो नट ये हैं, मैं आपको दिखाता हूँ चाबी लगा के, जो नीचे से टाइट हो गए ये वाले, ये तो ये हमने टाइट कर दिए हैं। ये फैन के माउंट के साथ लगेंगे, और एक नट ये है फैन का, ये रहा, और एक ये है फैन का। दोस्तों नीचे वाली होस पाइप लगा दी है, ये वाली होस पाइप लगा देते हैं। थोड़ा सा ग्रीस लगा ले इसमें, होस पाइप बड़े आराम से लग जाएगी और लीक भी नहीं करेगी। आगे तक चढ़ गई है, क्लंप इसका सही कर देते हैं प्लास से। दोस्तों तैयार है, अभी पन डाल के चेक करते हैं इसे। दोस्तों अभी पानी डाल रहे हैं कूलर, एक बार चेक करके लीकेज फिर डालेंगे। पानी डाल के पहले चेक कर लेंगे एक दो दिन, उसके बाद कूलेंट डालेंगे। और दोस्तों याद रखें, जो फ़ैन का हमने फैन पंखे का जो केबल निकाली थी वो याद से लगा दें, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी हीट हो जाए। वो अभी लगा ही देते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल है ये। ये देखो ये केबल आ रखी है अंदर से, और ये जो हमने करा था इसमें, थोड़ा सा इसमें जोरिक मार लेते हैं ताकि ये क्लीन हो जाएगा, जंग वगैरह नहीं लगता इससे। ये केबल सिंपल है, इसका एक लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, ये टूट रखा है वैसे। चलो वैसे हटा देते हैं। दोस्तों पानी डाल के इंजन स्टार्ट कर दिया, अभी कम होगा तो पूरा कर देंगे पानी। अभी यहाँ से तो नहीं कर रहा लीक, बाकी और बाकी लिख के चेक कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।